भगवान को नहीं मानता था, भगवान को कभी नहीं मानता था। और उसने एक प्रवचन में सुन लिया कि एक नियम बना लो, भगवान तुम्हारे मन की मनोरथ पूर्ण कर देगा, अभिलाषा पूरी कर देगा। अब उस व्यक्ति ने क्या नियम बनाया, ना मंदिर जाने का नियम बनाया, ना भगवान को जल चढ़ाने का नियम बनाया, ना सूर्य को प्रणाम करने का, ना माता पिता को प्रणाम करने का, ना किसी को आदर करने का, कोई नियम उसने नहीं बनाया। केवल एक नियम बनाया उसने, कौन सा, मेरे पास में कुम्हार रहता है, बर्तन बनाने वाला, मटका बनाने वाला, रसोई बनाने वाला, एक मटकी बनाने वाला, मिट्टी के पात्र बनाने वाला कुम्हार रहता है, मैं सवेरे से सबसे पहले उठूंगा तो उसका मुंह देखूंगा, केवल उसका मुख देखूं। बंद हो गई क्या, चालू कर दो। एक नियम बना लो, और जब एक नियम आप बना लोगे तो उस व्यक्ति ने नियम बनाया कि मेरे पास में कुमार रहता है, उस कुमार का मैं मुंह देखूंगा जो मट्टी के बर्तन बनाता। अब सुबह से उसका मुंह देखता, रोटी खा लेता, जब तक रोटी नहीं खाता जब तक उसका मुंह नहीं देख लेता, मुंह देखता रोटी खा लेता। एक दिन कुमार कहीं चले गया, इसको दिखा ही नहीं, कुमार के घर पर गया, कुमार कहाँ गया तो कि मिट्टी लेने गया, कुमार मिट्टी लेने गया था, वहां पहुंच गया वहां, हो रहा है, चालू कर रहा है, कर रहा है। कुमार मिट्टी लेने के लिए गया था और पड़ोसी उसको ढूंढते ढूंढते पहुंच गया। अब ढूंढते ढूंढते गया, कुमार मिट्टी को खोद रहा था, खोदते खोदते कुमार को उसमें से एक हंडा सोने का मिल गया, हंडा मिल गया। इसने हंडा नहीं देखा जो पड़ोसी गया था, ये तो कुमार का मुंह देखने के लिए गया था, इसको हंडा दिखा, इसने हंडा हेड़ा। इतने में पड़ोसी ने कुमार का मुंह देखा और चिल्ला कर बोल दिया, मैंने देख लिया। अब कुमार को लगा इसने हंडे को देख लिया, ये जाएगा राजा के पास में और पूरा पैसा वहां राजा को दिलवा देगा, इससे अच्छा है कि आधा इसको दे दूं आधा मैं रख लूं। कुमार इसके पास गया, घर पहुंचा, भैया तूने जो देखा ले आधा तू ले ले, और आधा सोने की मुद्रा उसने पड़ोसी को दे दी और आधी खुद रख ली। उस पड़ोसी ने कहा, मैंने सोने की मुद्रा का हंडा नहीं देखा था, मैंने तो तेरा नियम बनाया था कि बस तेरा मुंह देखूंगा। संत ने कहा था, एक नियम अगर कोई बना लेता है उसको पूर्ण परमात्मा करकर भंडार भर ही देता है, ये निश्चित है। तूने नियम बनाया, मैंने नियम बनाया तेरा मुख देखने का, और मुझे प्राप्त हुआ, सोने की मुद्राएं प्राप्त।